हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 8th क्लास की ज्योग्राफी 3rd चैप्टर चल रहा है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो आज इसका सब टॉपिक है हाइडल पावर। हाइडल पावर जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पहली कंट्री नॉर्वे है, जिस जहाँ पे ये डेवलप हुई थी। हाइड्रो पावर कैसे, क्या है, कैसे बनती है और क्या सब है ये। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर किया जाता है डैम्स में। इसको बहुत हाइट से नीचे फॉल करना होता है। ये जो पानी है नीचे फॉल होता है डैम में, स्टोर करते हैं इसको काफ़ी हाइट से। रिवर पानी, रिवर का और रेन का वाटर जो है इसे स्टोर किया जाता है, इसे काफ़ी हाइट से ऊपर से फेंका जाता है। जो ये फॉलिंग वाटर फ्लोस थ्रू पाइप्स, जो ये फॉलिंग वाटर जो है पाइप्स के ज़रिए इनसाइड द डैम में जाता है, ओवर टर्बाइन ब्लेड्स पर गिरता है, प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। जो बॉटम में ब्लेड्स लगे होते हैं डैम के बॉटम में, और जब पानी के गिरने की वजह से ये जो मूविंग ब्लेड्स दैन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द वाटर डिस्चार्जर, जो पानी यहाँ से डिस्चार्ज होता है आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनने के बाद, जनरेशन के बाद ये जो वाटर डिस्चार्ज होता है ये यूज्ड फॉर इरीगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हाइड्रल पावर। 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो दुनिया की है वो हाइड्रल पावर से प्रोड्यूस होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। ये इम्पॉर्टेंट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे दिखाया गया है, डू यू नो दिस साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है हाइड्रल पावर। ये देखें पानी को कहाँ से कैसे फिर आगे कहाँ जाता है। ये देखें वाइट रिजर्वर्स है, ये यहाँ पे जनरेटर्स लगे हैं, यहाँ पे टर्बाइन है और बाद में ये पानी इरिगेशन के लिए जाता है। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये देखें ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो है, ये यहाँ पे डैम बना है, ऊपर हाइट से पानी फेंकते हैं। ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जो यूज कर रहे हैं हम, इंक्रीजिंग यूज है फॉसिल फ्यूल्स का, ये क्या है, लीड कहाँ कर रहा है, ये शॉर्टेज हो रही है इसकी। इट इज़ एस्टिमेटेड, इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, अगर इसी तरह से प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन जो है ये लगातार चलती रही, द रिजर्वर्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। तो ये जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर दियर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और जब इनका इस्तेमाल हम करते हैं तो ये एनवायरमेंट को पल्यूट करते हैं। देयर फॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज करने हैं, ढूंढने हैं। जैसे ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल हैं, दोबारा बन सकते हैं। एक बार हम इन्हें यूज़ करेंगे तो हम और भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कौन सी एनर्जी चल रही है, ये हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये इसका सबसे पहला है सोलर एनर्जी। सन्स हीट,
एंड लाइट एनर्जी, जो सन की हीट है और लाइट की जो एनर्जी है, कैन बी फेल्ट बाय यूज एवरी डे, हम हर जगह महसूस करते हैं, हर दिन महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स, जो सोलर एनर्जी है हम इसे ट्रैप करेंगे, बंद करेंगे फ्रॉम द सन, से जो सोलर एनर्जी निकलती है इसे हम ट्रैप करेंगे किस में, एक सोलर सेल में, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल्स, तो ये जो बहुत से सेल हैं इनको हम जॉइंट करते हैं, जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं इनटू ए सोलर पैनल्स टू जनरेट, क्या जनरेट करने के लिए, पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। ये जो सोलर एनर्जी है हम इसे ही पावर ऑफ कर सकते हैं, प्रोड्यूस हीटिंग और लाइटिंग पर्पस।